ये चित्रकूट से मैं लाइव परिवार के साथ यहाँ तक का बाइक राइड अभी तक का सफर हो रहा है। और ये हमारे चारों तरफ का दृश्य 360 डिग्री ऑफ चित्रकूट। नीचे की तरफ काफ़ी कुछ है, थोड़ा सा पानी की धार के पास चलते हैं। पानी की धार यहाँ और ऊपर से बहते हुए आती है, नीचे की तरफ जाती है और इस तरह। यहाँ से फेंसिंग है, देख रहे हैं आप दोस्तों, वहाँ से हम घूम के उधर जा सकते हैं। यहाँ से रिस्ट्रिक्ट किए हैं लोग, तो वहाँ से भी पहुँच गए, ना जाए तो ही अच्छा है। तो फैमिली वाले हैं तक रोक रहे हैं, लोगों को मानना चाहिए थोड़ा। आफ्टर ऑल स्लिप होके वहाँ गिरते ना, टाइम नहीं लगेगा, जिसको तैरने आना आता है वो भी रिस्क ना ले तो अच्छा। वो उधर गाइड अच्छा है, पक्का गाइड साहब या फैमिली वाले भी होंगे, जो भी है रिस्ट्रिक्ट कर रहे, और होना भी चाहिए भाई। यही से मजा लो भाई, जाना है तो फिर अपन चलो बोटिंग करते हैं। अरे उधर उतरना नहीं है, हाँ वो जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो चलो, एक ही जगह खड़े हैं ऊपर। सो हम आए हैं करंजी लगभग उस तरफ से दोस्तों, उस तरफ या जस्ट बिहाइंड मी। और वहाँ अपन तीरथगढ़ होते हुए केसनो होते हुए करंजी शॉर्टकट लेते हुए आए, फिर भी हमको 30 किलोमीटर लगभग पड़ा, 25 से 30 किलोमीटर। बारसूर उस तरफ ही कही है, वहाँ से गीतम देन दंतेवाड़ा, और चित्रकूट से यहाँ ये डेड एंड है। इसके बाद यहाँ आगे कुछ गांव वगैरह नहीं है, वापस अपने को जगदलपुर रूट में आना है। जगदलपुर से हम कल अगर जाते हैं दंतेवाड़ा और बारसूर तो ही ठीक रहेगा। आज अगर बारसूर करने के चक्कर में जाएंगे तो आते में रात हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल रहेगा, इसीलिए रिस्क ना लेते हुए। ठंड भी लगती है रात को, अंधेरा तो रहेगा, और गाड़ी के साथ कुछ अनोनिमस हो जाता है तो हम झेल नहीं पाएंगे आता, इसीलिए हम यहीं से प्रस्थान करेंगे। तो यहीं पर ही अच्छा सा शाम ढल तक भी मज़ा ले सकते हैं। सो चला जाए, লাগিয়ে নাও না সামনে সামনে বোতাম নাই, এটা এটা আমার মতন বেঁধে নাও, ঠিক আছে দোস্ত। ইয়ে চিত্রকূট ফোর্টটা ও জলধারা, ওহাঁ সে মহানদী আর কাঙ্গের ধারা কি তরফ যা রা হ্যাঁ। উদ্গম স্থল মানে পড়া থা বীচ মে উড়িষ্যা সে কী সে উদ্গম হতে হুয়ে আতা হ্যাঁ, বস্তর মে উদ্গম করতা হ্যাঁ, শায়দ अपने शहर से भी ऊपर जाता है, और ये तो नदी से जाके छूटता है, इसलिए ये वो नहीं बोल सकते आगे नदी जाके छूटता है या कहीं करते हैं। थोड़ा सा जानकारी मेरा इधर उधर हो गया है। एनीवेज वीडियो में बस इतना बताना चाहूँगा, बहुत ही मनोहर दृश्य है। दोपहर का समय हो चुका है, 3 बज रहे हैं, बारसूर तो आज नहीं करना है, गाड़ी चलाने वाले भी यानी मेरी हालत ख़राब है, इसीलिए यहीं से वापस। पर समय देके एक घंटा और, ये मेरे सामने ठीक मंदिर वाला हिस्सा जहाँ से हम आए मेन रोड से, शिव मंदिर है, बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ मंदिर के ऊपर में, और हमारी थोड़ी तक जा रही है पानी से पहले शॉप में, और ये जलधारा वहाँ से बहते हुए आती है छोटे से हिस्से में। काफ़ी समय वो जो बड़े बड़े पेड़ की शाखाएँ जो हैं, जो जड़ें हैं, वो पानी में डूब जाती हैं, वहाँ से वो नदी बहती हुई आती है, ऐसे 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 करके उस तरफ जाके गिरती है, और वहाँ से मन भावन दृश्य होता है। सो आइए दोस्तों, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो, मैंने भी किसी की वीडियो को देख के बचपन से सुन के और बाकी सके संबंधियों को आपको देखने के बाद उस जगह को मैंने कल्पना किया कि एक दिन मैं यहाँ आऊँगा जल्द, और आज भी मैं यहाँ पर तो भी आइए उस जगह को, काफ़ी मन को जगह है। बारिश के दिनों में ये जगह काफ़ी
भरा रहता है ऊपर ऊपर के पानी से, और हम उस समय की कल्पना नहीं कर सकते, कर सकते कि कौनसी लोग कितना मनोहर दृश्य रहता होगा। कुछ पुरानी यादें हैं इस चित्रकूट से मेरे पार्टनर की, वो करीबन 10-12 साल पहले यहाँ पर आके आनंद करके गई है इस जगह में अपने जीजा जी और दीदी के साथ, भांजी के साथ होके, और अभी उसी फ्लैशबैक में वापस अपने भूतकाल के इसमें खो गई हैं। कुछ 12 साल पहले अपनी माँ के साथ भी आई हैं, बहुत पुरानी अच्छी यादें रही हैं उस जगह की। हालांकि इन्होंने मुझे सुबह शायद उस जगह का बताया नहीं था कि इधर आई हैं, पर हाँ अभी उनको याद आया कि फोटो लिए और छोटे से शिवलिंग, छोटे से मंदिर के वहाँ पर मैं आई थी। जब हम 12 साल पहले आप आए इधर, ये मंदिर था पीछे जो शिवलिंग मंदिर था पीछे, नहीं था बस यही वाला था ना, हाँ, और यही कहीं चट्टान में बैठ के फोटो लिया गया था, नहीं इस तरफ है ना, पर उस तो वो भी मतलब गर्मी में आना हुआ होगा है ना, इसीलिए पानी नहीं रहा होगा या कम रहा होगा तो चले जाना पॉसिबल हुआ। सर्दी में तो इतना भरा है और बारिश में तो आप इधर भी नहीं आ सकते। एनीवेज, जैसे कि मैंने बताया धारा वहाँ कहीं से शुरुआत होकर आ रहा है, ऐसे कल कल बहते हुए नीचे धारा गिर रहा है और आगे कहीं जाके दो या तीन नदियों का संगम होता है ना, नहीं ये धारा और आगे कहीं एक दो नदी का संगम होता है और वापस ये आगे और आगे बढ़ के तीरथगढ़ में बहते हुए जाती है। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, आते और दोपहरी में भी यहाँ का इतना लुभावना है, ठंडक तो नहीं बोलूँगा, ठंडक वाले को नीचे जाना पड़ेगा, पर जैसे जैसे यहाँ सांस मिलेगी यहाँ जाएगा और हम यहाँ से स्नान करने के लिए बात हो जाते हैं। अब चूँकि हम इस शहर के नहीं है बल्कि थोड़ा सा एक डर बना रहता है, देखो वहाँ एक मछुआरा एक आदमी दूर जा रहा है, वो नदी को पार कर रहा है, डंडे को पार है, उसको डर नहीं है क्योंकि वहाँ चट्टाने हैं काफ़ी मोटी मोटी। डर का जो चीज़ है यहाँ पर है क्योंकि बहाव ज़्यादा है और फिसला नहीं, वहाँ पर स्ट्रेट पत्थर एक पड़ी हुई है, बहाएंगे नहीं एकदम से, अगर आदमी गिरेगा भी तो बह के वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको यहाँ से आगे की कहानी बारसूर आपको सुनाना चाहती हूँ, आपको खाना भी रहेगा तो बारसूर दंतेवाड़ा कल हम वहाँ से लाइव रहेंगे। आज का दिन यहाँ समाप्त करते हैं, एक घंटे बाद हम यहाँ से निकल ही जाएंगे बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि हमें 6 बजे तक के वापस जगदलपुर पहुँचना है। दोस्तों तो यहाँ की मेमोरी आज मेरी भी के साथ पहली बन गई, बच्ची भी है और उनकी डबल मेमोरी बन गई यहाँ, तो आप लोग भी आइए अपना मेमोरी यहाँ पर मेमोरेबल बनाइए और मेरी इस वीडियो का सराहना सार्थक रहे, आप लोग बहुत इन्जॉय करें, भविष्य में आए जगदलपुर आप एक दिन में आ सकते हैं अपनी गाड़ी से, बस से, बाई कार, उसकी राइड भी आपके ऊपर है। अगले दिन आप यहाँ आस पास जल्दी फिर आपसे। चलती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम नदी, नदी और जीवन एक जैसा, तो एक मशहूर कवि ने कहा था जीवन आते हैं जीवन जाते हैं पर नदी कभी रुकती नहीं है, सही कहा। इस समय चित्रकोट से जलप्रपात के पास एक टक देखते हुए उसे यही कहने की इच्छा रखते हैं कि पानी जीवनदायिनी है और जीवन चलना सिखाती भी है। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा लग रहा है।
पे आकाशी है। थोड़ा सा मैं सामने की तरफ चलता हूँ, वाटरफॉल को सामने से देखते हैं। जलप्रपात का वेग देखने को मिलता है, बहाव देखने को मिलता है, बरसता गिरता पड़ता कई लाखों कणों में बहता हुआ टुकड़ों में बटके ये नदी अपने पूरे वेग में बहती हुई आती है और ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है, निचला इलाका और ऊपर का जहाँ पर पानी है वो पूरा इलाका। इस मौसम में गर्मी से लेकर इस मौसम में आते हैं बोटिंग वगैरह का।